<سجال> يا يا أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نفر قلوبنا بأنوار المحبة العلوية

कि इस दिन को कहा गया है अकबर कहा गया है यानी अल्लाह ने इस ईद को अपनी तरफ नस्बत दी है यानी यह अल्लाह की ईद है अल्लाह की जानिब से मनतखब शुदा ईद है अल्लाह की जानिब से महबूब ईद है और ये तमाम आयाद में अकबर है बाज़मत है और यकीन ये ईद अकबर है इसलिए जिस दिन हज़रत इब्राहिम का ख़्वाब पूरा हुआ तो वो दिन ईद बन जाए जिस दिन रोज़े मुकम्मल हो जाएं तो वो दिन ईद कहलाई जाए और जब तमाम दीन मुकम्मल हो जाए पूरा का पूरा दीन पाए इतमाम तक के पहुँच जाए यकीनन वो दिन ईद अकबर है आज जो आपके सामने पेश करना है वो गदीर के सिलसिले से है कि गदीर कब और कहाँ यकीनन आपको यह बात पता है कि रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लासम ने कभी हज नहीं किया है यानी अपने मदनी ज़िंदगी में कभी हज तशरीफ़ नहीं ले गए हैं इसीलिए कुरान में एक आयत है कि जिसमें यह हुक्म दिया जा रहा है कि ए रसूल खुदा आप हज के लिए तशरीफ़ ले जाएँ। सूर हज आयत नंबर ट्वेंटी सेवन में परवरदिगार ये इरशाद फरमा रहा है वह अज़न फ़िन हज लोगों से कहो कि हज करें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये रिवायत है कि इस आयत के ज़िम में परवरदार मतल रसूल खुदा को ये हुक्म दे रहा है कि ए रसूल ख़ुदा आप हज के लिए निकलिए हज के लिए अपने सफ़र को आगाज़ करिए इस हज को बलाग भी कहा जाता है हजत इस्लाम भी कहा जाता है इकमाल भी कहा जाता है अम्मा जब रसूल खुदा हज के लिए निकलना चाह रहे हैं हज करना चाह रहे हैं तो ये एलानी है तमाम कबाइल तमाम इलाकों के दरमियान ये ऐलान कर दिया गया कि रसूल खुदा हज के लिए निकल रहे हैं तारीख में ये मिलता है कि रसूल खुदा के साथ सौ हज़ार के आसपास बाज रिवायात में बाज़ तारीख़ के कुतुब में सत्तर हज़ार नब्बे हज़ार एक लाख बीस हज़ार ये मुख्तलफ़ तदाद बतलाई गई हैं यानी सौ हज़ार के करीब रसूल ख़ुदा के साथ हज में हमरा हुए इस हज का दो हदफ हैं एक मनासिकज अमाल हज अहकाम हज, हज को एक्सप्लेन किया जाए बतलाया जाए यानि इस्लामी नुक़ नज़र से कैसे हज किया जाता है और चूँकि ये हमारी गुफ्तु नहीं है और इन शबी और तफसीला बतलाएँगे कि इसी ज़मन में जब हज़रत रसूल खुदा हज के आमाल हज के अहकाम को बतला रहे थे सहबी नुमा अफरा रसूल खुदा की मुखालफत कर रहे थे यहाँ तक कि तारीख़ में बाज़ वक़्त बाज़ लोगों से अजीब ऐसे जुमले मिलते हैं कि जिससे ये लगता है कि वह असल मुसलमान नहीं थे इसलिए कि रसूल खुदा की तोह कर रहे होते हैं जब रसूल खुदा कोई हुक्म इस्लामी कोई हुक्म हज को बतला रहे होते हैं बहरहाल दूसरा हदफ जो अहम तरीन हदफ है वो एलान विलायत है एलान जानिशीनी है यानी अपने जानिशीनों को मारफ़ी करेंगे इसी हज के सफ़र में पच्चीस सी गादा के दिन अपने सफ़र को आगाज़ किया और लोगों को यह हुक्म दिया कि हरवला कुनान, यानी तेज़ रफ़्तार से वो मक्के की तरफ पहुँचें अमीरमिन ने भी अपने काम को तमाम करके रसूल ख़ुदा की खिदमत में हाज़िर हुए ताकि वो भी हज कर सकें अगर आ, यानी दिन ब दिन जिसको फ़ारसी में गाह शुमार कहा जाता है डे बाई डे अगर देखें कि क्या क्या वाकआ रूनुमा हुए हैं तो इस अंदाज़ से कहा जा सकता है कि तेरह ज़िलहिज़ को या उससे पहले ये कहा जा सकता है कि नौ जिल्हिज को आठ जिल्हिज को ये तमाम अयाम में रसूल ख़ुदा हज की तालीम दे रहे थे हज के अमाल और अहकाम को बतला रहे थे तेरह ज़िलिज को हज़रत जबरील नाजिल होते हैं और अमीरामुमिन को इस अंदाज़ से ख़िताब करते हैं असलमया अमीरमिन रसुल खुदा है फरमाते हैं ये जबरील है मैं गवाही देता हूँ कि ये जबरील हैं और अमीरमिन के लक़ब को मौला अली मौलालीलातलम के लिए मनतखब फ़रमाते हैं हज़रत जबरील के हुक्म से इसीलिए इन शाला आगे जो खुतब गदीरिया है उसमें बायदा रसूल खुदा इस बात को मेन्शन करते हैं कि अमीरमिन का लकब मुख्तस है मौला अलीसात वसलाम के लिए अम्मा चौदह जिल्हज फ़ौन रसूल खुदा मक्े को तर्क करते हैं मक् से बाहर निकलते हैं ये बात बताना ज़रूरी है कि मक्के के ए, यानी अयाम में हज के अयाम में जबरील रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर होते हैं और ये ए, फरमाते हैं कि अमीरुल अमीरामुमिन को अपना जानशीन मंतख करें अभी कोई आयत नहीं अपने साथ लेकर आते हैं बल्कि यह हुक्म देते हैं कि परवरदिगार का हुक्म है कि अमीर उमिन को अपना जानिशीन मंतखब करें अम्मा जब चौदह जीलिज को रसूल खुदा मक्के को तर्क करते हैं चौदह जील्हिज से लेकर अट्ठारह जिल्हिज के, के दरमियान तीन मरतबा जबरील नाजिल होते हैं और आए तबलीग को पेश करते हैं अलबत् पूरी आय तबलीग यानी कुल आय तबलीग 18 जिलहिज को रसूल ख़ुदा की ख़िदमत में नाजिल हुई है लेकिन मिसाल के तौर पर तारीख़ में जो मिलता है कि सोलह जिलहिज को जो दूसरी मरतबा हज़रत जबरील नाजिल हुए थे चूँकि एक मरतबा वो हज के दौरान नाजिल हुए थे और यह हुक्म दिया था लेकिन सोलह जैल्हिज को हज़रत जबरील नाजिल होते हैं और इस आयत की तिलावत फ़रमाते हैं या रसूल यासूल बल उन बस ए रसूल आप बताइए बयान करिए वो चीज़ जो परदगार मुताल की तरफ से नाजिल हुई है फिर सत्रह जैल्हिज को फिर हज़रत जबरील नाजिल होते हैं और फिर फरमाते हैं व इन लम तफ़अल फ़मा बलत रिसालत यानी ए रसूल आप बयान करिए जो परवरदिगार मुताल की तरफ से नाजिल हुई है और अगर आपने इस बात को नहीं बतलाया तो यानि आपने कार रसालत को अंजाम नहीं दिया है आप देख रहे हैं यानी ये एक बात मुसावी है बराबर है तमाम कार्य रिसालत के लिए खूब यकीन ऐसे ही है यानी अगर रसूल खुदा अपने जानशीन को मारफी न करें मुंतखब न करें या परवरदगार मुताल मंतखब न कराए तो तमाम अम्बिया की मेहनत तमाम रसूल की मेहनत रसूल खुदा के बाद ज़ाया हो जाएगी जैसे कि अगर आप अमीरुल अमीरमिन के मद् मुकाबल जो सिलसिला है अगर उसकी तारीख़ में उन लोगों की तारीख में अगर आप नज़र डालिएगा तो आपको यकीनन ऐसे ही नज़र आएगा कि इस्लाम की तमाम तालीम को ग़लत तरीक़े से तबीन किया गलत तरीक़े से पेश किया इस्लाम के मारिफ को इस्लाम के अक़ीदों को बदल दिया और इसीलिए आज देखिए दुनिया में बाज वक्त अगर कहीं इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो वही तमाम बातें होती हैं कि जो अमीरुल अमीरमिन के मध्य मुकाबल जो सिलसिले को आगाज़ किया गया था उनकी जानिब से ये तमाम बातें नशत पाती हैं तमाम बातें निकलती हैं तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये बात बताना वाक़ा मुसावी व बराबर है कार रसालत का आप जब दूसरी मरतबा या यूँ कहा जाए तीसरी मरतबा नाजिल हुए हज़रत जबरील तो दूसरा फ़रा भी पेश किया व इन लमतफ अलफमता रसालत यानी अगर आपने इस बात को नहीं बताया नहीं बतलाया नहीं पेश किया नहीं बयान किया तो यानी आपने कॉरे रसालत को अंजाम नहीं दिया है यानी ये एक बात बराबर है मुसावी है तमाम रसालत की। तो आप देख रहे हैं तो हतमन यकीनन ये सलाम की विलायत है सिलसिले इमामत है कि अगर सिलसिले इमामत को नहीं पहचानवाएंगे नहीं बतलाएंगे, तो लोग गुमराह हो जाएंगे हकीकी इस्लाम ख़त्म हो जाएगा इस्लाम और मारिफ इस्लामी की जो मिठास है लोगों तक के नहीं पहुंच पाएगी इसीलिए आप देखिए कि जो अमीरुल मोमिनीन के मद्दे मुकाबिल हैं यानी वो लोग जो इस बात के कायल हैं कि रसूल खुदा ने किसी को मंतख नहीं किया जब आप उनके सिलसिले को देखते हैं उनकी तरफ से बताए हुए इस्लाम पर नजर डालते हैं तो आपको वो इस्लाम और उस इस्लाम में मिठास नजर नहीं आता है उस इस्लाम में आपको ऐसी बातें मिलेंगी कि जो आज दुनिया वाले इस्लाम की तरफ मुसलमानों की तरफ उन्हीं बात को लेकर एक इशू बनाए हुए हैं और जब आप अमीरुल मोमिनीन अमीरमिन और जानशीना हक रसूल ख़ुदा की ज़िंदगी पर उनके बातों पर उनके अकवाल पर नज़र डालते हैं तो आपको हकीकी इस्लाम हासिल हो जाता है इस्लाम की जो मिठास है वो हासिल हो जाती है और यकीनन अनबिया की तमाम मेहनत रसूल की तमाम मेहनत ये सिलसिले ये इमामत पर डिपेंड है इसीलिए फमा बल लखता रसालत यानि अपने कारालत को अंजाम नहीं दिया इसलिए कि अगर सिलसिले इमामत को रसूल ख़ुदा ना बताएं तो वाक तमाम मेहनत पर पानी फिर जाएगा तो यानी ये सिलसिले इमामत इतना अहम है फिर अट्ठारह जिलहिज को या तारीखी अंदाज से यह कहा जा सकता है कि इस जबरील के नाजिल होने के 5 घंटे के बाद फ़ौरन फिर हज़रत जबरील नाजिल होते हैं और फरमाते हैं या यासूल बल्कि परवरदिगार तुम्हारी हिफाज़त करेगा लोगों से इन मुनाफिकों से इसलिए कि रसूल खुदा के आसपास आप हती कुरान की आयत पर भी नज़र डालिएगा तो ये मिलता है कि रसूल खुदा के आसपास बहुत सारे मुनाफिकीन हैं मुनाफिक लोग हैं और रसोल ख़ुदा इस बात पर फ़िक्रमंद है कि अगर मोमिनीन उलोमिन सलाम की विलायत का एलान करेंगे तो मोमिनीन की जान को ख़तरा ना पड़ जाए या यूँ कहा जाए ख़ुद रसोलखुदा और मोमिनीन को उसी वक्त ना ये मुनाफिकीन कत्ल कर दें या सूर्य तोबा आए नंबर एक सौ एक में ये मिलता है वम मन हाउाउलकुमिनआराब मुनाफिकुन ये जो बाज़ आपके आस पास जो लोग हैं जो अपने आप को सहबी कहते हैं ये मुनाफिक हैं इनमें से बाज मुनाफिक हैं और रसूल ख़ुदा इस बात पर फिक्रमंद हैं कि अगर अमीरुल उलोमिन को अपना जानशीन मर्रफ़ी करें तो कहीं अमीरुल अमीराम को कत्ल न कर दिया जाए कहीं रसूल खुदा और अमीरुल उलमिन को कत्ल न कर दिया जाए और इस्लाम जो अभी इब्तदाई मंजिलों पर है अभी ये लोग ताज़ा मुसलमान हुए हैं ये मुनाफिक उन पर हावी ना हो जाएं और इस्लाम का नामो निशान ख़त्म न हो जाए और जब परवरदिगार ने यह ऐलान किया और जबरील ने यह फरमाया वल्ल क्या अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा इन लोगों से और इन लोगों की परवरदिगार हिदायत नहीं करेगा तो यानी रसूल खुदा को ये यकीन हो गया कि इस एलान विलायत में अमीरामम और इस्लाम पर कोई आंच नहीं आ सकती है इसीलिए अब रसूल खुदा ने एकदम से कि जहाँ ये कारवान अभी अपने मंजिल को तय कर रहा है और कोई इस बात की तो नहीं रखता है कि रसूल खुदा इस कारवान को एकदम से रोक दें और कहाँ रोका इस कारवान को गदीर ख़ुम में और ये रसूल खुदा की तरफ से एक बेहतरीन डिसीजन है कि एक ऐसी जगह रसूल खुदा ने इस कारवान को रोका और ये ऐलान किया कि तमाम जो कारवान आगे बढ़ चुके हैं वो पीछे आ जाएं और जो कारवान अभी पीछे हैं वो जल्द अज़ जल्द अपने आप को रसूल ख़ुदा की खिदमत में हाजिर कर दें और ये जो रसूल ख़ुदा ने एकदम से हुक्म दिया कि गदीर खुम में तमाम कारवान रुक जाएं तो ये गोया रसूल खुदा ने उन मुनाफिकीन पर एक वार कर दिया कि वो अपने प्लान में नाकाम हो जाएं और उनके हाथ बंदे के बंदे रह जाएं अब जब रसूल ख़ुदा गदीर खुम में इस कारवान को रोक दिया गदीर खुम कौन सी जगह कि जो जुहफ़े से करीब एक जगह है जिसको गदीर ख़ुम कहा जाता है खुम यानी एक ऐसा तालाब एक ऐसी जगह कि जहाँ ऐसे गड्ढे मौजूद हैं उसमें एक ऐसा पानी जमा हुआ है कि कोई उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकता है कोई हैवान उस पानी को यूज़ नहीं कर सकता है इसीलिए इस जगह को गदीर खुम कहा जाता है और ऐसे वक्त में कि जब आसमान से आग बरस रही है लोगों के पैरों के तलवे जल रहे हैं ज़मीन के गर्मी की शिद्दत से लोग अपने रिदा से अपने आप पर साया बना रहे हैं यानी रसूल खुदा ने इस कारवान को एक ऐसी जगह रोका कि लोग याद रखें लोग भूले ना क्योंकि ये बहुत ख़ास जगह है लोगों को याद रहेगी अब जब रसूल ख़ुदा अठारह जिलहिज में तमाम के तमाम कारवानों को रोक लिया फिर रसूल खुदा ने यह हुक्म दिया कि एक ऐसा मेंबर तैयार किया जाए कि जिस पर रसूल ख़ुदा सवार होकर अपने खुतबे को आगाज़ कर सकें ए... नमाज का हुक्म आया लोगों को ये इत्तला दी गई कि नमाज के लिए सब इकट्ठा हों नमाज के हुक्म की वजह से सब मुसलमान इकट्ठा हुए रसूल ख़ुदा ने एक तवील खुतबा दिया कि जिसमें मुख्तलिफ इमामत के पहलुओं पर गुफ्तू की और फिर फरमायावला बनफ सौ क्या हम यानि हम रसूल खुदा तुम पर तुम ज़्यादा विलायत नहीं रखते हक नहीं रखते और ये जो रसूल खुदा ने यह जुमला इरशाद फरमाया ये वही जुमला है कि जो कुरान के आयत से अख्स किया गया है कि कुरान में ये मिलता है अन नबी अन्फुसैन रसूल खुदा विलायत रखते हैं तमाम लोगों के नफसों पर तमाम इंसानों के नफसों पर यानी हम पर हमसे ज़्यादा रसूल खुदा की विलायत है तो जब रसूल खुदा ने अलस तो अवला बनफ सकुम क्या हम तुम पर तुमसे ज़्यादा हक नहीं रखते विलायत नहीं रखते हक़ तसरफ की बात हो रही है यानी तमाम शूनत ज़िंदगी तमाम जिंदगी के एस्पेक्ट पर रसूल खुदा की विलायत है तो कालू बला सब ने कहा हाँ बेशक या रसूल खुदा आप हम पर हम लोगों से ज़्यादा विलायत रखते हैं हक रखते हैं तो फिर रसूल खुदा ने तीन मरतबा ये इर्शाद फरमाया मनकुन तो मौला फहागा अली मौला जिस का मैं मौला हूँ उस उसका अली मौला है यानी जिन पर भी रसूल खुदा की विलायत है कि तमाम मुसलमानों पर विलायत है तो रसूल खुदा ये इर्शाद फरमा रहे हैं कि मेरे बाद अली अबीबलासलाम की विलायत है और उनके जानशी की विलायत है इस बात को यानि मन कुंत मौला फादा अलीला को रसूल खुदा ने तीन मरतबा तकरार किया और तीन मरतबा लोगों ने कबूल किया खुतबा ख़त्म होने के बाद तमाम इसहाब आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद रसूल खुदा और अमीरामुमीन की ख़िदमत में मुबारकबादी पेश की मखसूस मुसलमानों के दूसरे खलीफा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद ये कहा बक््न बक्याबनाबी लिमसई था मौलाक मोमिन वमोमिन कि आज आप हर मोमिनमिना के मौला बन गए मुबारक हो मुबारक हो इसके बाद रसूल ख़ुदा ने यह हुक्म दिया एक खेमे को बर्पा किया जाए और तीन दिन तक के लोगों को यह हुक्म दिया कि रसूल ख़ुदा के जानशीन यानि अमीर उमोमिन के हाथों बेअत करें चाहे वो मर्द हों या औरतें हों और सबसे पहले तमाम मर्द अमीरमुमौमिन की खिदमत में हाजिर हुए हाथों को अमीरमिन के हाथों पर रखा बेअ की और फिर उसके बाद तमाम औरतें और ख़वात अमीर उमिन की खिदमत में हाजिर होकर अमीराम के विलायत को एक्सेप्ट किया कबूल किया ये बहुत अहम नक हैं आप गौर करिएगा कि अगर मौला दोस्त के माना होते तो ये तमाम चीज़ों की जो रसूल ख़ुदा आ, हुक्म दे रहे हैं हुक्म देने की ज़रूरत नहीं थी चूँकि अगर दोस्ती का ऐलान था तो फिर असला उसमें बेअत की बात नहीं आती है चूँकि रसूल ख़ुदा के तो दोस्त भाई इससे पहले कई मकाम पर रसूल ख़ुदा ने हुक्म दिया है तो वहाँ क्यों कोई आगे बढ़ कर मुबारकबादी पेश नहीं कर रहा वहाँ क्यों ये हुक्म नहीं आ रहा है कि रसूल खुदा के जानशी अमीर के हाथों बेअत करना लाजमी है यहीं रसूल खुदा यह हुक्म दे रहे हैं कि तुम लोग जाओ और अमीर उमुीन के हाथों मौला अली के हाथों बेअत करो और तीन दिन तक के उस जगह इस खैमे को बर्पा किया जा रहा है यानी इस खैमे को उस जगह तीन दिन तक के बरपा करके ये अहतमाम किया जा रहा है कि लोग आसानी से अमीरमीन के हाथों बेअत करें यह सोचने का मकाम इलम है फिक्रिया है इसी असना में कि जब खुतबा खत्म हुआ लोग मुबारकबादी दे रहे हैं अमीरुल मोमिनीन को लोग बेअ कर रहे हैं हसान बिन साबित ने शेर कहा और यह शेर तारीख़ ने अपने सीने में महफूज कर लिया है और ये तमाम के तमाम मुसलमानों के लिए एक राह है हिदायत की रोशनी है कि समझे वाकई मन तो मौलाह का क्या मतलब है चूँकि वहाँ रसूल ख़ुदा ये कर रहे हैं ये मुकदमता पेश कर रहे हैं अलस्त अवला क्या हम तुम पर विलायत रखते हैं तो यह अलस्त अवला ये आप दोस्ती के माना पर तफसील नहीं कर सकते हैं कि हम तुमसे तुमसे ज्यादा दोस्त हैं माना नहीं रखता ये कलाम ये मुकदमाता पेश किया अलसत अवला फिर कहा मौला यानी ये मौला यही विलायत के माना है और जब आप हसन हसान साबित के अशार को देखिएगा तो आपके लिए बात वाजह है कि यहाँ विलायत की बात है यहाँ इमामत की बात है यहाँ जानिशीनी की बात है हसन हसान साबित ये फरमाता है कि युना दी हिम योमल गदीर नबी यू हम के पैगम्बर खुदा ने अपनी उम्मत को आवाज़ दी गदीर के गिन बिर रसूल मुनाद और कितने उनकी बात उनकी आवाज़ सुनने वाली होती है दिल नशी होती है वकॉल फमन मौलाम वली और रसूल खुदा ने अपने उम्मत को मुखातब करार देके ये फरमाया ए मेरी उम्मत क्या पैगंबर तुम्हारे आगा और मौला और इमाम नहीं हैं? फकालू सब के सब ने यह कहा वलंग यब्दू हुना का और उन्होंने बगैर किसी तजाहुल के बगैर किसी सब आवाज़ दी अला मौलाना वनता अल्लाह हमारा वली है रसूल हमारे वली हैं यौम मिलना के हम विलायत के सिलसिले से कभी मुखालिफ़त नहीं करेंगे कभी पीछे नहीं हटेंगे फिर रसूल खुदा ने फरमाया ये हसान बिन साबित अपने शेर में फ़रमा रहे हैं फ़काल अली फ़ इन ननी रसूल खुदा ने फरमाया फरमायाली ये मुर्तज़ा उठिए या अली फ़ इन ननी रजी तो क्या बदी इमाम वहादिया एप इस उम्मत के लिए इमाम आप इस उम्मत के लिए हादी हैं मेरे बात फमन कुं तो मौला फहादा वली जिस जिसका मैं मौला हूं उस उसके अली मौला हैं फकून लहू अन और बर्ताव करना अमीरिन के लिए यावर और मददगार साबित होना आप देख रहे हैं कि हसान बिन साबित ने उसी बजम में उसी गदीर के दिन एक ऐसा शेर कहा कि जिससे यह वाज होती है कि मौला फ़िलायत की बात है इमामत की बात है ना कि दोस्ती की बात है ये बेअत तीन दिन तक के वहाँ बरकरार रही इक्कीस के दिन असर के टाइम रसूल खुदा गदीर ख़ूम को मदीने के लिए छोड़ रहे हैं रसूल खुदा को जबरील ये बाख़बर कर देते हैं कि रास्ते में आपके कत्ल की साजिश रची गई है और जो मुनाफिकीन थे वो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं तेज़ी से आगे बढ़ने के बाद वो दो पहाड़ियों के बीच में छुपकर रसूल खुदा पर वार करने की प्लानिंग करते हैं जब रसूल खुदा मनत हरशा अकबे हरशा यानी अकबे हरशा यानी दो पहाड़ियों के बीच से जब गुजर रहे होते हैं जिस जगह को हर्षा कहा जाता है ये मुनाफिकीन के जो अनसार और महाजरीन और दीगर कबाइल से थे ये पहाड़ियों की बुलंदी से छुप कर रसूल खुदा पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रसूल खुदा यहाँ से सलामती के साथ मदीने पहुँच जाते हैं और जब रसूल खुदा इस जगह से सलामती से आगे बढ़ते हैं तो ट्वेंटी थ्री जल्हिच को जबरील नाजिल होते हैं और इन तमाम के तमाम लोगों को मारफ़ी कर देते हैं पहचानवा देते हैं रसूल ख़ुदा पच्चीस जिलहिज को अपने मदीने वापस पहुँच जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी वो दास्तान गदीर है कि कहाँ से ये पच्चीस के जो पच्चीस जिकादा से शुरू हुई थी और पच्चीस जिल्हज में अपने अख्तितम तक के पहुँच गई यहाँ बस एक नुक्ता और बाकी है कि ये जो आए तबलीग है यानी सूर मायदा आयत नंबर सिक्सटी सेवन में कि जहाँ पर वर्दगार ये फ़रमा रहा है या अहर रसूल बल्लमाजलक़मरबिकम तफ़ाल्फ़ामा बलता रसअलता वाह यासम कैमिनकमल ला कौमल फरीन ये आयत जब हम रिवायात में देखते हैं हत अहल सुन्नत की रिवायात उसमें भी ये बात मिलती है कि ये अमीरुल मोमिनीन की शान में ये आयत नाजिल हुई है रिवायत अबी नई में इसफ ये फरमाते हैं कि ये मोमिनीन की शान में यह आयत नाजिल हुई है हत्ता अगर इस रिवायत के जो रावी हैं उनको भी देखिएगा वो अहले सुन्नत के رجال के अतबार से अहले सुन्नत के अतबार से वो तमाम के तमाम हैं सही हैं यानी इस रिवायत को एक्सेप्ट कर सकते हैं ये रिवायत सही है जैसे इस रिवायत में अबू बकर बिन खलाद हैं कि जो खतीब बगदादी इनको सही समझते हैं अबू नईम इनको सिका समझते हैं अबू बकर बिन खलाद ने मोहमदब उस्मान बिन अबी शैबा से इस रिवायत को नकल किया है कि जहाबी ने इस शख्स को इस रावी को साले और सिका मुआरफी किया है फिर इन्हीं ने यानी मोहम्मद इबन ऊस्मान ने इब्राहिम बिन मोहम्मद इबन मैमून से इस रिवायत को नकल किया कि इब्राहिम को सिकात में से समझते हैं यानी सच्चे इंसानों में से समझते हैं फिर इन्हीं ने इब्राहिम ने अली अब आबिस से अली अबन आबि के जो तिरमिजी सिहाय सित्ता में से एक अहम तरीन किताब है यह अली अबन आबिज रावियान सही है तिरमेजी में से हैं यानी सही तरमेजी ने इस शख्स से रवायात नकल की हैं और अली अबन आबिस ने अबुल हजाफ से नकल किया है और अबुल और अबुल हजाफ रजाल अबी दाबूद व नसाई व अबन माजा में से है यानी इन तीनों किताबों ने इस शख्स से रिवायात नकल की हैं तो ये भी सही होगा तभी तो नकल कर रहे हैं और अली अबन आबिस ने अबुल हजाफ से इस रिवायत को नकल किया है कि अबुल हजाफ खुद अबी दाऊद नसाई इबन माजा के रावियान में से हैं। यानी इन तीनों किताबों ने इन तीनों शख्स ने इस शख्स से कसीर रवायतें नकल की हैं तो यानी सही होगा तभी तो नकल की हैं तो यानी कुल मिलाकर ये देखा जाए आए तबलीग जो शाह ने अमीरमिन के लिए नाजिल हुई है अहल सुन्नत की रिवायात के अतबार से भी ये बात सबित है इन शे बात आपके लिए मुफीद साबित हुई हो फिर हाजिर होते हैं एक नई गुफ्तगू के साथ तब तक के लिए वालेक वरम वक्